दोस्तों 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 से 2006 के बीच हुए 22 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए थे, जिनमें से एक केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वो केस था सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस, जिसके कारण 2010 में तब के गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे मिस्टर अमित शाह अरेस्ट भी हुए और उन्हें रिजाइन भी करना पड़ा। लेकिन आगे चलकर सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को 2014 में क्लीन चिट दे दी। और तो और, सोहराबुद्दीन केस के ट्रायल्स के दौरान सीबीआई कोर्ट जज ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया की मिस्टीरियस डेथ ने सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस को जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट पब्लिक रिवॉल्ट पे भी खड़ा कर दिया था। कुछ आरोप कहते हैं कि फेवरेबल वर्डिक्ट देने के लिए जस्टिस लोया को 100 करोड़ की ब्राइब ऑफर की गई थी और इनकार करने पे उनकी हत्या कर दी गई। इन रिवॉल्टिंग जजेस का इल्जाम था कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में आए केसेस को स्टैब्लिश प्रोसीजर्स की बजाय सिलेक्टिवली असाइन कर रहे थे। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम 2005 में हुए सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस को रिट्रेस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे इस केस में कई कॉन्ट्रोवर्सीज का जन्म हुआ और ये भी जानेंगे कि उनका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस सीबीआई द्वारा सबमिटेड चार्जशीट और कई मीडिया हाउसेस द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पे फ्रेम की गई है और इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि कोई भी पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, सीबीआई चार्जशीट के अनुसार 23 नवंबर 2005 की रात सोहराबुद्दीन शेख, उसकी वाइफ कौसर भी और सोहराबुद्दीन का एक अन्य साथी तुलसीराम प्रजापति हैदराबाद से अहमदाबाद जा रहे थे। रात 1:30 बजे के करीब गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि ATS उस बस को महाराष्ट्र के संगली में रोकती है और सोहराबुद्दीन और तुलसीराम को बस से उतार अपने साथ ले जाने लगती है। इस एक्शन के अगेंस्ट कौसर भी अपोज करती है, जिसके कारण ATS को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ा। 3 दिन बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख को गोली मार दी जाती है, जिसे गुजरात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DG वंजारा एनकाउंटर बताते हैं। लेकिन गुजरात पुलिस का नैरेटिव कुछ और था। उनके अनुसार सोहराबुद्दीन अहमदाबाद के नरोल एरिया से ऑपरेट कर रहा था, जब एक पुलिस टीम ने उसे विशाला सर्किल के पास मोटरसाइकिल से कहीं जाते हुए देखा। पुलिस के रोकने पर वो नहीं रुका और पीछा करते हुए पुलिस के ऊपर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किए जाने के दौरान सोहराबुद्दीन को गोली लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन को 8 गोलियां लगी थी। उस दिन किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG वंजारा ने बताया कि सोहराबुद्दीन अंडरवर्ल्ड का एक शार्प शूटर था और लश्करे तैयबा और ISI के इशारों पर वो गुजरात एक टॉप पॉलिटिकल फिगर की हत्या करने आया था। DIG के मुताबिक गुजरात ATS को राजस्थान पुलिस से इंटेलिजेंस मिली थी और इस एनकाउंटर टीम का वो भी हिस्सा थे। उनके अनुसार सोहराबुद्दीन एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर था और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई केसेस में नामजद था। पुलिस के स्टेटमेंट्स सोहराबुद्दीन को पाकिस्तान बेस्ड शरीफ खान और रसूल पार्टी का क्लोज एड बताते हैं, जिन्होंने दाऊद के साथ प्लान कर उस समय गुजरात के फॉर्मर होम मिनिस्टर हरेन पांड्या की हत्या की थी। दोस्तों, सोहराबुद्दीन की क्रिमिनल आइडेंटिटी को लेकर 3 अलग अलग पोर्ट्रेट्स हैं। एक नैरेटिव उसे इंडिपेंडेंट एक्सटॉर्शनिस्ट मर्डरर बताती है, वहीं दूसरी नैरेटिव उसे दाऊद इब्राहिम के क्लोज एक टेररिस्ट बताती है। वहीं एक तीसरी नैरेटिव के अनुसार सोहराबुद्दीन शेख कुछ करप्ट पुलिस वालों के लिए काम करने वाला क्रिमिनल था। दाऊद से सोहराबुद्दीन का लिंक 1993 मुंबई ब्लास्ट से जोड़ा जाता है, जिसमें यूज्ड RDX के साथ कई असला बारूद और आए थे। इन्हें गुजरात कोस्ट से मध्य प्रदेश तक लाने का काम सोहराबुद्दीन ने किया था। दोस्तों, पहले नैरेटिव के अनुसार सोहराबुद्दीन 2002 से 2003 के बीच तुलसीराम प्रजापति और मोहम्मद अजाम के साथ एक गैंग बनाता है, जो उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन के मार्बल ट्रेडर्स और फैक्ट्री ओनर्स से एक्सटॉर्शन किया करते थे। दोस्तों, जिस नैरेटिव के अंडर सोहराबुद्दीन को टेररिज्म के साथ लिंक किया जाता है, उसे लेकर कई सवाल हैं। DIG वंजारा के अनुसार सोहराबुद्दीन के बॉस अब्दुल लतीफ की किलिंग के बाद उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 50 से ज्यादा केसेस दर्ज थे, जिसमें वो बचता चला जा रहा था। DIG वंजारा ने बताया कि सोहराबुद्दीन के LET और ISI के साथ क्लोज कनेक्शन थे।
लेकिन पुलिस के इस क्लेम के अगेंस्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने 9 मई 2007 को रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें सोहराबुद्दीन के इस टेरर लिंक के क्लेम को आफ्टर थॉट बताया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सोहराबुद्दीन और कौसर बी के एनकाउंटर के बाद हुए पॉलिटिकल पुशबैक के कारण तब के सीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेट असेंबली में एनकाउंटर के 4 महीने बाद 20 मार्च 2006 को एक रिटन रिप्लाई सबमिट किया। इसमें सोहराबुद्दीन को एक अनस्पेसिफाइड मर्डर केस में एक्यूज बताया गया और उसे आर्म्स एक्ट के तहत वांटेड शो किया गया। उस रिप्लाई में आईएसआई और लश्कर तैयबा का कोई मेंशन नहीं था। एनकाउंटर के 18 महीने बाद गुजरात होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एस के साइकिया ने रिपोर्टर्स के सामने बयान दिया कि सोहराबुद्दीन के आईएसआई और एलईटी के साथ लिंक्स थे। जब एस के साकिया से गुजरात सीएम द्वारा स्टेट असेंबली में दिए गए रिप्लाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें सोहराबुद्दीन के कई केसेस के बारे में जानकारी नहीं थी और आईएसआई और एलईटी के साथ उसके लिंक के सबूत उन्हें बाद में मिले। दोस्तों, एक तीसरी क्लेम सोहराबुद्दीन को कुछ करप्ट कॉप्स के लिए काम करने वाला एक क्रिमिनल बताती है। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार सोहराबुद्दीन के क्राइम पार्टनर मोहम्मद अजाम ने बताया कि सोहराबुद्दीन गुजरात के आईपीएस ऑफिसर अभय चुडस्मा के लिए काम करता था। अजाम ने अपने बयान में ये खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन और अभय चुडस्मा की 75-25 पार्टनरशिप थी और चुडस्मा के इंस्ट्रक्शन पे ही सोहराबुद्दीन बिजनेसमैन को थ्रेट्स दिया करता था। वो बिजनेसमैन जो पुलिस के पास जाते थे तो हेल्प करने के बहाने अभय चुडस्मा उनसे ह्यूज सम ऑफ मनी डिमांड करते थे, जिसमें सोहराबुद्दीन का शेयर भी शामिल होता था। मोहम्मद अजाम के इस क्लेम का समर्थन सोहराबुद्दीन के एक और करीबी मुश्तक अहमद ने किया, जिसने सीबीआई को ये बताया कि वो जब सोहराबुद्दीन से 2002 से 2003 के बीच में मिला तो उसने बताया कि वो अभय चुडस्मा के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, अभय चुडस्मा को सीबीआई ने 2010 में मर्डर, अबडक्शन, इलीगल कन्फाइनमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अरेस्ट भी किया था। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार अभय चुडस्मा के ऊपर गुजरात होम मिनिस्टर अमित शाह के इंस्ट्रक्शंस पे विटनेस को थ्रेटन करने के इल्जाम थे। ऑल्दो सीबीआई कोई भी चार्ज प्रूव नहीं कर पाई और 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद गुजरात पुलिस सर्विस में उन्हें रीइंस्टेट किया गया, जहां आगे चलकर उन्हें स्टेट मॉनिटरिंग सेल के डीआईजी के रूप में प्रमोट भी किया गया। दोस्तों, इस एनकाउंटर के कुछ हफ्तों बाद ही सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन ने इंडिया के चीफ जस्टिस को लेटर लिख अपील की कि वो अपने भाई की डेथ पर गुजरात पुलिस के नैरेटिव से सेटिस्फाइड नहीं है और अपनी सिस्टर इन लॉ कौसर बी, जिसे उस समय मिसिंग डिक्लेयर किया गया था, उसकी सलामती के लिए कंसर्न्ड है। इस लेटर के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को सोहराबुद्दीन किलिंग और कौसर बी की डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। गुजरात पुलिस की सीआईडी डिपार्टमेंट की आईजी गीता जौहरी ने सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की। इसके अलावा द हिंदू में इस रिपोर्ट के रेफरेंस में लिखे गए एक आर्टिकल के अनुसार गीता जौहरी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में अमित शाह के एक सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट की बात कही और उन्होंने मेंशन किया कि ये इंसिडेंट रूल ऑफ लॉ का मजाक है, जहां स्टेट गवर्नमेंट एक मेजर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। गीता जौहरी की रिपोर्ट में अमित शाह द्वारा 30 जनवरी 2006 के दिन गांधीनगर सर्किट हाउस में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुई एक मीटिंग का भी मेंशन था, जिसमें अमित शाह ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि कौसर भी सोहराबुद्दीन की लॉफुली मैरिड वाइफ नहीं है और वो शायद कहीं भाग गई हैं या उनका मर्डर हो गया है। दोस्तों, इस एनकाउंटर को लेकर एक दूसरी न्यूज एक साल बाद नवंबर 2006 में पब्लिश हुई, जब सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट प्रशांत दयाल ने पहली बार एक गुजराती न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के फेक होने की खबर छापी। प्रशांत ने बाद में rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में शामिल ऑफिसर्स एक शाम शराब के नशे में उनके सामने ये कबूल करते हैं कि कैसे उन्होंने एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पनिश करते हुए उन्हें एलिमिनेट किया। प्रशांत ने अगले दिन जब उन डिटेल्स को क्रॉस चेक किया तो उन्हें अहमदाबाद में उस फार्म हाउस के होने की कन्फर्मेशन मिली, जहां सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम को रखा गया था। फार्म हाउस के सर्वेंट्स ने भी कन्फर्म किया कि बुरखे में एक महिला पिछले साल वहां कुछ दिनों के लिए मौजूद थी। दोस्तों, इस न्यूज के बाहर आते ही सुप्रीम कोर्ट के अलावा आम जनता के सामने भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की गुत्थी सुलझने लगी थी।
दोस्तों, गुजरात सीआईडी की आईजी गीता जौहरी द्वारा सबमिटेड रिपोर्ट के कारण इस केस में दो अहम डेवलपमेंट्स हुए। पहला तो ये कि इस रिपोर्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ये बात माननी पड़ी कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर फेक था, और दूसरा इस रिपोर्ट के बेसिस पे अप्रैल 2007 में 3 आईपीएस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन और राजस्थान पुलिस के दिनेश कुमार। इन तीनों को सीआईडी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रजनीश राय ने अरेस्ट किया, जिन्हें इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन रजनीश राय द्वारा सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के कॉल रिकॉर्ड कलेक्ट किए जाने और एक्यूज्ड के नार्को टेस्ट कंडक्ट करने के डिसीजन के कारण उन्हें इन्वेस्टिगेशन से रिमूव कर गीता जौहरी को वापस इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटर बनाया जाता है। लेकिन इस बार सितंबर 2008 में गीता जो रिपोर्ट सबमिट करती हैं वो उनके प्रीवियस रिपोर्ट से काफ़ी अलग होती है। इस बार गीता अपनी रिपोर्ट के तहत सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तुलसीराम प्रजापति केस को डीलिंग करने का प्रयास करती हैं। गीता के अनुसार 23 नवंबर 2005 की रात को बस से उतरने वाला तीसरा शख्स तुलसीराम प्रजापति नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का एक हिस्ट्री शीटर कालिमुद्दीन था। दोस्तों, तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन का एक एसोसिएट था और उस रात वो उनके साथ मौजूद था। कई रिपोर्ट्स ने इस बात की आशंकाएं जताई कि वो डीजी वंजारा का इन्फॉर्मर था और सोहराबुद्दीन की ट्रेवल डिटेल्स उसने पुलिस के साथ शेयर की थी। यही कारण है कि उसके इस एनकाउंटर के विटनेस होने के बावजूद इमीडिएटली एलिमिनेट नहीं किया गया। लेकिन कौसर बी के गुमशुदा और डेड एज्यूम किए जाने के बाद तुलसीराम ने पुलिस अथॉरिटीज को लेटर लिखने शुरू कर दिए। आगे चलकर 2006 में तुलसीराम का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसमें पुलिस बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर्स की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक कर भाग रहा था। दोस्तों, तुलसीराम प्रजापति का सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर से लिंक प्रूफ करना गुजरात स्टेट पुलिस की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को साबित करने के लिए अहम था। इस बात का खुलासा गीता के अंडर काम कर रहे फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीएल सोलंकी ने सीबीआई के सामने किया, जब उन्होंने बताया कि गीता ने उन्हें अमित शाह का रेफरेंस देते हुए रिपोर्ट बदलने को कहा, जो एक मामूली इंस्पेक्टर द्वारा टॉप पुलिस ऑफिसर्स पे उठाई गई उंगली के लिए बेहद नाराज थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के दौरान सोलंकी ने गीता जौहरी के इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण बाद में सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट किसी और ऑफिसर द्वारा प्रिपेयर की गई। खैर, जनवरी 2010 में सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन द्वारा फाइल्ड पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। ऑल्दो सीबीआई ने गीता को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर वॉचअप करने के लिए क्वेश्चन किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। रिसेंटली अप्रैल 2017 में गीता जौहरी को प्रमोट कर स्टेट की टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त भी किया गया। दोस्तों, कौसर बी को लेकर इनिशियली ये बताया गया कि वो गुमशुदा हैं, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में रिवील किया कि कौसर बी को दो अलग फार्म हाउसेज में कस्टडी में रखा गया था। आगे चलकर कौसर बी की भी हत्या कर दी गई और 28 नवंबर 2005 के दिन उसकी बॉडी जला दी जाती है। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हत्या से पहले एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कौसर बी का रेप भी किया गया था। सीबीआई को दिए गए स्टेटमेंट में एटीएस पुलिस स्टेशन ऑफिसर रवीन मकवाना, जो सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर किए जाने वाले दिन ड्यूटी पर थे, उन्होंने रेप की बात को टेस्टिफाई किया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक्सेस्ड रवीन मकवाना के स्टेटमेंट के अनुसार गुजरात एटीएस के सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण चौबे को कौसर बी की गार्डिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसने उसका रेप किया। ह्यूमन राइट्स लॉयर मुकुल सिन्हा ट्रूथ ऑफ गुजरात के माध्यम से सीबीआई को दिए गए विटनेस स्टेटमेंट के बेसिस पे इवेंट्स को कलेक्ट करते हुए बताते हैं कि कौसर बी की लास्ट जर्नी सबसे ब्रूटल थी। 29 नवंबर 2005 के दिन लगभग 12:30 पर उन्हें पीएसआई चौबे द्वारा शाही बॉग स्थित एटीएस ऑफिस ले जाया गया, जहां डीजी वंजारा और राजकुमार पांडियन उसे चुप रहने के बदले पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन कौसर बी इनकार कर देती है। सोहराबुद्दीन की डेथ के बारे में बताए जाने के बाद कौसर बी इमोशनली अनकंट्रोल्ड हो गई। शाम 4 अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीएसपी नरेंद्र अमीन, जो पहले डॉक्टर हुआ करते थे, उन्हें डीजी वंजारा द्वारा समन किया जाता है। उसी ऑफिस में कौसर बी को ड्रग दी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ के स्टेटमेंट के अनुसार वंजारा शाम 5 उन्हें लकड़ियां लाने के लिए एक टेम्पो हायर करने के लिए कहते हैं।
एटीएस ऑफिस से शाम 6 बजे कौसरबी की डेड बॉडी को इलॉल विलेज लाकर जला दिया जाता है। दोस्तों Rediff.com में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन गैंग ने राजस्थान बेस्ड आरके मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड से 25 करोड़ प्रोटेक्शन मनी डिमांड की थी। अपनी डिमांड की सीरियसनेस को बताने के लिए सोहराबुद्दीन गैंग ने आरके मार्बल्स से क्लोज एक गैंगस्टर हमीद लाला की गोली मारकर हत्या कर दी। 500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने इस एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट को एनकाउंटर का प्रमुख कारण बताया था। सीबीआई की विटनेस के अनुसार आरके मार्बल के ओनर तब राजस्थान के होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया से मदद मांगते हैं और सोहराबुद्दीन से पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें 10 करोड़ की ब्राइब ऑफर करते हैं। दावा किया गया कि गुलाब चंद कटारिया इस काम के लिए अपने पार्टी कली अमित शाह से संपर्क करते हैं। हालांकि सीबीआई के इस क्लेम के अगेंस्ट दिसंबर 2014 में अमित शाह को और फरवरी 2015 में कटारिया को सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोस्तों गुजरात न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर में लिखते हुए प्रशांत दयाल बताते हैं कि पुलिस का वर्जन और हकीकत दोनों अलग हैं। सोहराबुद्दीन राजस्थान में एक बड़ा क्रिमिनल था और मार्बल मर्चेंट्स और बिल्डर्स से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट किया करता था। गुजरात पुलिस में मौजूद सोर्सेस बताते हैं कि सोहराबुद्दीन को मारने के लिए कुछ राजस्थान बेस्ड बिजनेसमैन ने 2 करोड़ की सुपारी या किलिंग अमाउंट दी थी, लेकिन इस एनकाउंटर को गुजरात में स्टेज किया गया। दोस्तों रजनीश राय के अंडर गुजरात सीआईडी ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर्स के फोन कॉल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे। सितंबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच के कलेक्टेड कॉल रिकॉर्ड्स ने ये रिवील किया कि डीजी वंजारा, दिनेश एमएन, राजकुमार पांडियन, विपुल कुमार और अमित शाह के बीच कई फ्रीक्वेंट फोन कॉल्स हुए। तहलका में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार हर बार जब इस केस में डेवलपमेंट होती थी तो नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाती थी। गुजरात सीआईडी ने इस बात की ओर इशारा किया कि कॉल्स की ये फ्रीक्वेंसी अननेचुरल और अनकॉमन थी, क्योंकि ये एक्शन मिनिस्टर के ऑफिशियल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था। जनरली यदि किसी मिनिस्टर को पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करना होता है तो वो होम सेक्रेटरी या एटीएस के चीफ सेक्रेटरी से कांटेक्ट करते हैं, ना कि एसपी लेवल ऑफिसर से डायरेक्ट फोन कॉल्स। मर्डर्स के चार्जेस को फेस कर रहे अमित शाह ने गुजरात के होम मिनिस्टर पद से 24 जुलाई 2010 में रिजाइन कर दिया। सीबीआई ने अमित शाह पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का चार्ज लगाया और आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें बुक किया। इस केस में अमित शाह को 3 महीने बाद बेल मिली। 30 दिसंबर 2014 के दिन सीबीआई कोर्ट के जज एमबी गिसावी ने अमित शाह को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा सबमिटेड कॉल रिकॉर्ड्स एविडेंस के तौर पे इनसफिशिएंट हैं और किसी स्टेट के होम मिनिस्टर का सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के टच में रहना एक नेचुरल एक्ट है। 2014 का चुनाव इस केस में एक नया मोड़ लेकर आता है। 10 साल से सत्ता में रही यूपीए हार जाती है और बीजेपी भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करती है। चुनाव के बाद ही सोहराबुद्दीन केस के ट्रायल्स में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। दोस्तों उस केस को सबसे पहले जज जेटी उत्पत को सौंपा गया था, जिनका अमित शाह के कोर्ट में अपियर होने के एक दिन पहले ट्रांसफर हो गया। जेटी उत्पत ने पहली सुनवाई के दौरान सीबीआई और अमित शाह को कोर्ट में न मौजूद होने के कारण फटकार लगाई थी। जज जेटी उत्पत का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के भी अगेंस्ट था, जिसमें टॉप कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस केस की सुनवाई शुरू होने से अंत तक सेम जज के अंडर होनी चाहिए। दोस्तों इस केस में दूसरे जज ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया थे। 30 नवंबर 2014 के दिन जज बीएच लोया ने अपने 2 कलीग जज भूषण गवाई और जज सुनील शुक्रे के साथ मुंबई से नागपुर गए, जहां वो गवर्नमेंट के रवि भवन कॉम्प्लेक्स में रुके। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सुबह 4 बजे जज लोया के चेस्ट में पेन डेवलप होता है और उन्हें एक के बाद एक 2 हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है, लेकिन 1 दिसंबर 2014 की सुबह 6:15 AM पे उनकी मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोरोनरी आर्टरी इंसफिशिएंसी मौत की वजह बताई जाती है। दोस्तों 20 नवंबर 2017 के दिन द कारवान मैगजीन एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें कई सवाल उठाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में जज लोया की डेथ से रिलेटेड कई इनकंसिस्टेंसीज की ओर इशारा किया जाता है। इसके अलावा उनकी डेथ के बाद फॉलो किए गए प्रोसीजर्स और फैमिली को सौंपे जाने के समय डेड बॉडी की हालत पे भी सवाल उठाए जाते हैं। द कारवा के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फॉर्मर जज ने जज लोया को 100 करोड़ की ब्राइब ऑफर की थी, जिसके अगेंस्ट उन्हें सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में फेवरेबल जजमेंट देना था।
जज लोया की सिस्टर और फादर ने भी ये कोट किया कि उन्हें इस काम के लिए मल्टीपल ऑफर्स दिए गए थे और उन पर प्रेशर भी डाला गया। हालांकि इन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट 14 जनवरी 2018 के दिन जज लोया के बेटे अनुज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्वीन करते हुए कहा कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और उन्हें देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर पूरा भरोसा है। दोस्तों, इस केस में सीबीआई द्वारा अमित शाह के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम काफ़ी सीरियस थे। इनफैक्ट इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस ट्रायल को गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शक था कि यदि ये केस गुजरात में कंटिन्यू होता है तो फेयरली कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकेगा। जज लोया की डेथ के बाद जज एमबी गोसावी को इस केस का जज अपॉइंट किया जाता है। इस अपॉइंटमेंट के कुछ दिनों के अंदर ही अमित शाह डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसे जज एमबी गोसावी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीबीआई, जो जनरली ऐसे एप्लीकेशंस का विरोध करती है, वो भी इसे चैलेंज नहीं करती है। इस केस में आगे चलकर सीबीआई के स्पेशल जज एसजे शर्मा सारे 22 आरोपियों को रिहा कर देते हैं। अपने जजमेंट में जज कहते हैं कि वो सरहाबुद्दीन शेख और प्रजापति की फैमिलीज के लिए सॉरी हैं, लेकिन सिस्टम की डिमांड है कि कोर्ट केवल सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाए। दोस्तों, इस केस के दौरान 92 गवाह भी आगे चलकर अपने बयान से मुकर जाते हैं। इसके अलावा सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन भी इस केस को आगे चैलेंज करने से इनकार कर देते हैं। तो ये थी कहानी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की, जिसने इंडिया के हर सेक्शन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एग्जीक्यूटिव हो या ज्यूडिशरी हो, हर एक की वर्किंग के ऊपर कई सवाल उठाए। दोस्तों, इस केस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में कौन से वो लूप होल्स हैं जो पुलिस के द्वारा अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इस इन्वेस्टिगेशन में छोड़े गए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।